हेलो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है रिफ्रेक्शन की। इससे पहले रिफ्लेक्शन का पार्ट कुछ वीडियोस में कवर हो गया है, अगर वॉच ना किया तो जरूर वॉच कर लें। इसमें आपको बता दूंगा रिफ्रेक्शन क्या है, जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो क्या है, एंड देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले आप रिफ्रेक्शन को समझो, रिफ्रेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन मैंने बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट एक किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे और उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, रे ऑफ लाइट अगर एयर में ट्रेवल करके मिरर से स्ट्राइक करे और एयर में ही वापस आ जाए तो इट इज अ रिफ्लेक्शन, जो कि एक शाइनिंग सरफेस से हो सकता है। इट माइट बी अ स्पून और इट माइट बी अ प्लेन मिरर। बट रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है अगर रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करे और मीडियम चेंज करके पाथ भी चेंज करे, एट द सेम टाइम उसमें स्पीड भी चेंज हो जाती है, तो इसे बोलते हैं रिफ्रेक्शन। तो एग्जाम में लिखने वाइज क्या है? लिखने वाइज ये है कि द फिनोमिना ऑफ अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑब्लिकली ऑन अ मीडियम एंड ऑन अ सरफेस एंड चेंजेस इट्स मीडियम एंड बेंडिंग टेक्स प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है कि मीडियम चेंज हो और बेंडिंग हो, इट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड इट इज एयर। तो ये मीडियम वन हो गया, ये मीडियम टू हो गया। तो अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करे, तो ऑब्लिकली मीन्स 90 डिग्री पे नहीं, अदर देन 90 डिग्री, तो इट विल चेंज इट्स पाथ। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब इसमें जो ये रे है इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो आई है रे, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो मीडियम चेंज करके चली गई, इट इज कॉल्ड रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे। और एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल विच द रिफ्रेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। ओके, उसके बाद हम वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर फ्रीक्वेंटली, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। तो इसकी डेफिनेशन भी आनी जरूरी है, बट इससे पहले आपको एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू से डिनोट होगा या एन से डिनोट होगा, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट इज, अगर ग्लास ये है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया रेशियो ऑफ, इट मीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम, एयर ऑब्लिक वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर सपोज हमें डेटा पता है, लेट अस से अगर ये डेटा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमें पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसे हम डिवाइड कर दें तो वी गेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्योरली अ रेशियो है, इसलिए इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाते। तो ये डेफिनेशन होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और इसके बाद ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे अगर हम दो को कंपेयर करें, तो लेट अस से इन दो फिंगर्स की बात करें, तो ये फिंगर छोटी है इससे, इसके कंपैरिजन में, बट ये बड़ी भी है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब रेयरर और डेंसर रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे सपोज एक कोई मीडियम वन है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मीडियम वन उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.1। एक कोई मीडियम टू है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लेट अस से 1.5। तो इन दो के कंपैरिजन में हम ये कहेंगे कि ये ऑप्टिकली रेयरर है और ये ऑप्टिकली डेंसर है। डेंसर मींस जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेयरर मींस रिलेटिवली जिसका कम। बट अगर कोई सपोज थर्ड मीडियम आ जाए और उससे हम सेकंड से कंपेयर करें, लेट अस से एक कोई 1.7 वाला और आ जाए, तो रिमेंबर अगर हम इन दो का कंपैरिजन करेंगे तो इट विल बी नाउ टर्म्ड एज रेयरर, रेयरर मींस एज कंपेयर टू दिस, और ये बन जाएगा डेंसर। तो दैट इज अ डेंसर मीडियम की डेफिनेशन ये है, आउट ऑफ द टू मीडिया
द वन विच हैज हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द अदर हैविंग लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब इसमें एक ही आता है कि रे ऑफ लाइट अगर रेयरर टू डेंसर आए तो क्या होगा और डेंसर टू रेयरर आए तो क्या होगा। देखिए इसके अंदर ये है, इसमें एयर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, 1.00। ग्लास का भी आपको मैंने कैलकुलेट करके बता ही दिया कि ग्लास का अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। तो ऑब्वियस है ये रेयरर है, इट इज रेयरर मीडियम एंड इट इज डेंसर मीडियम। तो इसका भी रूल सीख लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन एवर आई से टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। और इसका उल्टा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन आई से अवे फ्रॉम नॉर्मल तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बड़ा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। तो इसमें ये दोनों रूल आपको मैंने बता दिए कि रेयरर क्या है, डेंसर क्या है, रेयरर टू डेंसर करने पे क्या होगा एंड डेंसर टू रेयरर करने पे क्या होगा। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन वो बता दूंगा और उसके बाद फिर आएंगे इसके रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड फॉर कॉनकेव लेंसेज। और अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।